वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं रमन दीपकर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज क्राइम ब्रांच व प्रतापगढ़ पुलिस ने नटवरलाल को धर दबोचा। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश के निर्देश में व एसपी प्रतापगढ़ आकाश तोमर के नेतृत्व में प्रयागराज क्राइम ब्रांच व लालगंज कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ में 4 करोड़ की ठगी करने वाला 25,000 का इनामी नटवरलाल गिरफ्तार। आरोपी नटवरलाल आलोक मिश्रा व धर्मा इंटरप्राइजर ने मिलकर डिजिटल राशन कार्ड बनाने की एजेंसी दिलवाने के नाम पर कई लोगों से 10 से 15 लाख रुपए की वसूली की थी। थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ में अंकित सिंह ने दर्ज कराया था फ्रॉड का मुकदमा। आरोपी आलोक मिश्रा पर प्रयागराज समेत कई जनपद में फ्रॉड समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज है मुकदमे। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश की जोनल सर्विलांस टीम व लालगंज पुलिस द्वारा शातिर 25,000 इनामी ठग को किया गया गिरफ्तार। आइए सुनाते हैं केपी सिंह, आईजी रेंज प्रयागराज। प्रयागराज रेंज में एक पुलिस द्वारा एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। एक शातिर अपराधी है आलोक मिश्रा, पुत्र सत्येंद्र नाथ मिश्रा, निवासी इटौरी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ का ये व्यक्ति है। और इसके खिलाफ जनपद प्रयागराज, जनपद प्रतापगढ़ और लखनऊ में कुल 8 मुकदमे कायम हैं। और ये इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। और ये एक शातिर दिमाग का व्यक्ति है जो कि लोगों से पैसा ठगने में माहिर है। और इसने लखनऊ में अपने रहने के दौरान इसने लोगों को फर्जी डिजिटल राशन कार्ड बनाने के नाम पे लोगों से 5 से 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लिया और लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए, इसमें उत्तराखंड के लोग भी हैं, पूरे यूपी के लोग हैं, लगभग 4 करोड़ रुपए लोगों से ठगी करके इसने कलेक्ट किया। और इसके खिलाफ गोमती नगर में मुकदमे में कायम हुआ है। इसी तरह से गाजीपुर थाने में मुकदमा कायम है, उसमें भी इन्होंने लोगों को नौकरी देने के नाम पर पैसे लिए। इसी तरह से प्रतापगढ़ में ये मारपीट, नौकरी के नाम पर ठगी। प्रयागराज जनपद में भी एक तो हत्या के मामले में ये नामित अभियुक्त है। इसी तरह से प्रयागराज में भी लोगों के फर्जी खाते से डॉक्यूमेंट के आधार पर पैसा निकालना, माने ठगी के द्वारा लोगों को चीट करना, आपराधिक घटनाएं करना, आपराधिक मनोवृत्ति का ये शातिर अपराधी है, जिसकी जो अपनी हैसियत है वो तो मुश्किल से 1.5-2 बीघे ज़मीन है इसके गाँव में, लेकिन इसका 1.5 से 2 करोड़ का मकान है। लखनऊ में इसका मकान है, वहाँ पर ये 2 बीघे की इनकी प्रॉपर्टी डीलिंग प्लॉटिंग का काम ये कर रहा है। तो लोगों को चीट करके और अपराधी का अपने डरा धमका करके लोगों से पैसा वसूली करने का इसका कार्य है। और ये एक शातिर अपराधी है, इसके खिलाफ गैंगस्टर के तहत और जो पुराने मुकदमे उन सभी मामलों में इनके गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जा रही है। और जो टीम हमारी जोन की जो सर्विलांस की टीम है, जनपद प्रतापगढ़ की जो टीम रही है लोकल स्थानीय थाने की, उनको मैं 50,000 रुपए से पुरस्कृत कर रहा हूं। और ये एक अच्छा काम किया है, मैं पुलिस कर्मियों को बधाई देता हूं। वैश्विक महामारी में जहां अपने अपनों का साथ छोड़ दे रहे हैं, वहीं इस कोरोना काल में ममफोर्डगंज के वरिष्ठ समाजसेवी लोगों ने मिलकर निशुल्क दवा का वितरण एवं डॉक्टर श्याम देव मरीजों को देखकर उनकी समस्या का हल कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ होम्योपैथिक के डॉक्टर श्याम देव, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर लोगों की सेवा में निशुल्क जुटे हैं। देखिए, इसमें वायरल सीजन चल रहा है, एक तरह से बचाव की दृष्टि से एक जागरूकता अभियान के तहत जो है मोटिवेशन लोगों में थोड़ा सा जागृत करने के लिए ये कैंप किया जा रहा है कि कैसे बचाया जाए इसमें बीमारियों से बचाव के लिए। और साथ में एक इम्यून टाइप का, मतलब एक बचाव इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कैसे जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और अभी तो खैर बहुत अधिक नहीं पेशेंट हुए हैं, लगभग 1 घंटे हुए 15-20 पेशेंट हो गए हैं, तो ये दिया जा रहा है। क्या शुभ नाम है? डॉक्टर श्याम देव। ये ममफोर्डगंज में विमल गुप्ता जी के इस कार्यालय में लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए
खांसी सर्दी जुकाम बुखार छोटे मोटे जो बीमारी हैं उनके इलाज के लिए डॉक्टर साहब बैठे हैं। सुबह से हम भी 2 घंटे से यहाँ देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इस आपदा काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करना ये बहुत बड़ा काम है, इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय बता दें। आनंद अग्रवाल पार्षद। लॉकडाउन के बाद भी चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। एक तरफ कोरोना का प्रकोप और उसके रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं चोरों ने बंद घरों में निशाना बनाना शुरू कर दिया है। प्रयागराज के खुल्दाबाग थाना इलाके में रोशन बाग मोहल्ले में एक घर की लोग जब रिश्तेदारी में किसी आवश्यक कार्य से गए हुए थे, तो उसी दौरान चोरों ने मौका पाकर घर की कीमती सामानों पर अपना हाथ साफ कर लिया। चोरों की यह पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी देखने के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। सुनाते हैं पीड़ित ने क्या कहा और दिनेश कुमार सिंह एसपी सिटी ने क्या कहा। गया था अपनी वाइफ को बुलाने रात को, शाम के 4 बजे मैं यहाँ से निकला था। उसके बाद मैं वहीं था, उसके बाद मुझे पता चला 14 तारीख की सुबह शाम के 5 बजे आपके यहाँ जो है दरवाज़ा खुला है या डोर हो गया। उसके बाद हम लोग जब वहाँ से आए तो पूरा हमारा डोर खुला, पूरा लॉकर खुला, पूरा डोर दरवाज़ा खुला। उसके बाद जो है जब हम लोग ने चेक किया, हम लोगों का कैश 1,60,000 रुपये, वो 21 तोला सोना और 1 किलो तक चांदी गायब हो गई। जी कंप्लेन हमने किया था चौकी इंचार्ज गुलाबबाड़ी थाना, पुलिस आई थी, वेरिफिकेशन अपना किया, उसके बाद अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हम लोग एकदम बेकार चल रहे हैं, काम धंधा बेकार चल रहा है, इस हाल में ये हुआ है। और ऐसा मुजम्मिल शेख, अहमदाबाद थाना क्षेत्र में रोशन बाग में, ये घर से कुछ लोग जो चले गए थे बाहर ऊँचा हार रायबरेली में दिना 9 तारीख को, वो 14 तारीख को जो लौट के आए तो उनके घर में चोरी हुई थी। उसमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें 2 लोगों का मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे, उनको तस्दीक किया जा रहा है और कुछ जानकारी भी मिली है। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके बरामद किया जाएगा और वर्कआउट किया जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।